दो चम्मच सिरका डालकर आप प्रेशर कुकर में थोड़ी सी मलाई से किलो भर से भी ज्यादा देसी घी बना के कर सकते हो तैयार। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। जो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध के ऊपर जमने वाली मलाई, जो कि मेरे पास काफी सारी क्वांटिटी में है, ये 8 से 10 दिन की मलाई है। इसके लिए हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, क्योंकि आज हम इसे बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो आपको प्रेशर कुकर ले लेना है। अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर हो तो आप उसका ही यूज करें इसे बनाने के लिए। इससे क्या होता है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ी सी भी मलाई होगी तब भी आप बड़े प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपका घी बहुत जल्दी निकलेगा। केवल 2 सीटियां लेनी पड़ती हैं और आप देखेंगे मलाई से कैसे हमारा जो घी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सारा घी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है फ्रेंड्स। अगर आपको जानना है कि मोटी मलाई कैसे जमाई जाती है दूध के ऊपर पतले से पतले दूध में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ये ट्रिक जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि 8 दिन की मलाई में दूध में सॉरी 8 दिन के दूध में इतनी सारी मलाई निकलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं अगर आप जिन्हें फॉलो करते हैं तो दूध आपका कितना भी पतला क्यों ना हो, आपकी जो दूध के ऊपर की मलाई है वो काफी थिक निकलती है। मैंने एक मथानी ले ली है, ये बहुत ही आसान तरीका है और कहें तो बहुत ही पुराना तरीका है। पहले इसी तरह से घी निकाला जाता था, तो एक मथानी से मैं यहाँ पर इसे मैश करूंगी। मैंने आपके साथ इससे पहले जो कुकर में देसी घी बनाने की रेसिपी शेयर की है, मैंने डायरेक्ट बनाया है, लेकिन कुछ लोगों को वहां पर प्रॉब्लम थी कि हमारा जो घी है वो बाहर आ जाता है, तो अगर उनसे वो तरीका अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है तो वो उस वीडियो को ना फॉलो करके इस वीडियो को फॉलो करें, जहां पर पहले हम इसका मक्खन निकालेंगे उसके बाद हम प्रेशर कुकर में कैसे घी निकालते हैं ये आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी है और ये बहुत आसान है। अगर आपसे वैसे नहीं होता है कि डायरेक्ट मलाई को प्रेशर कुकर में डालें और घी निकाल लें, वो आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपसे गलती हो जाती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और नो फेल रेसिपी है। इस तरह देखिए मैंने कुछ मिनट ही इसे चलाया था और बहुत आसानी से मलाई से जो मक्खन है वो सेपरेट हो गया है। अब आपको एकदम चिल्ड वाटर लेना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जितना ठंडा पानी होगा उतना ही अच्छा होता है। अब देखिए इतना सारा जो मक्खन हमारा निकला है ये हम निकालेंगे। इसे आपको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करना है, जिससे मलाई की स्मेल वगैरह नहीं रह जाएगी। फ्रेंड्स मलाई जब भी आप स्टोर करें ध्यान रखें कि आपको इसे रेफ्रिजरेटर में ही करना है, इससे मलाई ज्यादा पुरानी नहीं होती है तो इसमें स्मेल भी नहीं आती है। मैं हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही मलाई को स्टोर करती हूँ और हमारे पास ये छाछ बच गया है जिसे आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपकी मलाई फ्रेश है तो। अब ले लेना है यहाँ पर प्रेशर कुकर। मैं यहाँ पर छोटा ही ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। आपके पास अगर बड़ा प्रेशर कुकर है तभी आप इसे बनाएं, क्योंकि मलाई कम से कम आधे से भी कम में होनी चाहिए। अगर आपका कुकर मैं सपोज आपके पास 5 लीटर का कुकर है तो आप जो मलाई डालेंगे वो 1/3 कप ही होनी चाहिए, मतलब कि 2 से भी हाफ से भी कम होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर मलाई डालने के बाद सिरका लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच सिरके में 1 चम्मच पानी डालेंगे और हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे इसमें सिरका क्यों डाला है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करते हो इस तरह की वीडियोस पर। तो सिरका डालने का मेन रीजन ये है, जैसे ही मलाई पकना शुरू होगी ये बहुत ही जल्दी से फट जाएगी और इस प्रोसेस को करने में हमें बहुत ही कम समय लगेगा, इसलिए मैंने इसमें सिरका डाला है। अब आप बोलेंगे हम इसमें नींबू का यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन सिरका से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल हो तो आप सिरका ऐड करिएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गैस ऑन कर लिए मैंने और इसे रख दिया है गैस के ऊपर और देखिए मैं लाइव यहाँ पर 2 सीटियां ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हो ना हमारा, जैसे ही सीटी आती है वैसे ही सारे की सारी मलाई बाहर आ जाती है। देखिए आपके सामने ही गैस ऑन है और 2 सीटियां मैंने ली है, बिल्कुल भी मलाई बाहर नहीं आई है। 2 सीटी लेने के बाद हम इसे बंद करके इसे खुद ही खुलने देंगे। जब ये अपने आप खुल जाएगा तभी आपने इसे खोलना है और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितनी मलाई ली थी उतना ही देसी घी निकला है। देख सकते हैं जितनी मलाई मैंने फिल करी थी उतनी ही क्वांटिटी में देसी घी निकला है और हमने सिरका डाला था। इससे देखिए जो हमारा छेना या मलाई कह ले ये नीचे जो बैठा हुआ है ये अच्छे से कर्डल हो चुका है
और बहुत ही कम क्वांटिटी में निकला है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे क्योंकि इस तरह से घी कच्चा रह जाता है। अगर आप इससे कोई मिठाई बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे थोड़ा सा पकाने के बाद छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी कोई मिठाई नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। दो सीटी लेने में मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है, और 3 से 4 मिनट में देख सकते हैं मलाई से जो हमारा देसी घी है वो सेपरेट हो गया है। वीडियो को अभी स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो और फिर आपको समझ नहीं आता है कि वीडियो में एक्चुअल में मैंने क्या बताया है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने की जगह थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें भी देखा कीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करती हूँ, मेरी वीडियोस के नीचे हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले प्रेशर कुकर की एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिस पर मुझे 1.6 मिलियन व्यूज़ मिला है, लेकिन उस पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। इसलिए मैं इसकी रेसिपी को रीशेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिससे आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। मैं डायरेक्ट इसे छान रही हूँ और आप देखें यहाँ पर बिल्कुल एक बाउल भर के देसी घी निकला है। तकरीबन ये 1 किलो इससे ऊपर ही देसी घी यहाँ पर था। अब हम इसे छान लेंगे, इसमें जो वेस्टेज हमारा बचेगा इसे हम चीनी डालकर एंजॉय कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एक बाउल भर के देसी घी देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकला है। जितनी मलाई मैंने ली है बहुत ही लेस हमारा मावा निकला है और देसी घी ज़्यादा क्वांटिटी में निकला है। ये बिल्कुल मैंने कोई कट नहीं किया है, आपके साथ एग्जैक्ट वैसे ही रेसिपी शेयर की है। तो आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। मैंने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। प्रेशर कुकर आपने बड़ा लेना है, छोटे साइज़ के प्रेशर कुकर में अगर आप ऊपर तक मलाई फिल कर दोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।